सो हेलो गाइस, सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ऑफ रोडिंग टेस्ट, ठीक है जी। ऑफ रोडिंग प्लस वाटर क्रॉसिंग टेस्ट, और ऑफ रोड कैसे, ये पत्थर वाले जहाँ पे सिर्फ ट्रैक्टर चलते हैं और कुछ नहीं चलता, टू व्हीलर कोई लेके आता होगा, तो ये टेस्ट बताऊँगा। और जो लोग सोचते हैं ना कि क्या ये व्हीकल ऑफ रोडिंग के लिए सही है, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो मेरा व्हीकल ये चल गया है वो 24,000 चल गया है और इसको 1.5 साल हो गया है। तो 1.5 साल में क्या इसकी परफॉर्मेंस में कमी आई, ठीक है। अगर आपको इसकी रेंज की वीडियो देखनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो 24,181 किलोमीटर, और परचेसिंग डेट भी मैं आपको बताता हूँ, 18 मार्च, 18 मार्च, 17 मार्च, 24,121। तो दिख रहे हैं आपको ये पहाड़, इन्हीं पहाड़ों के बीच में खड़ी है हमारी S1 Pro, नेचुरल पानी, और नेचुरल पानी के साथ ग्रीन इलेक्ट्रिक, जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है जी। तो चलिए फिर पूरा वीडियो ज़रूर देखना एंड तक, ऐसे ऐसे तगड़े तगड़े टेस्ट दिखाऊंगा, ठीक है जी। तो चलिए फिर निकालते हैं और दिखाते हैं आपको, और वो भी नॉर्मल मोड पर। सोलो हूँ, मेरे साथ ना कोई है ना कोई होता है, पूरी वीडियो ज़रूर देखना, ये वाले रोड। तो चलिए फिर बने रहिए, दिखाते हैं आपको। ऑफ रोडिंग टेस्ट बताते हैं, ये यहाँ से पक्का रोड स्टार्ट है, अब यहाँ पे ऑफ रोड है, जो अपने हिमाचल की नदियाँ छोटी मोटी खड्डे होती हैं ना, उस पर ऑफ रोड है। चलिए फिर जाते हैं आपको, मैं देखो भैंस से चलती हुई, ठीक है, इधर से घुस जाते हैं, नहीं पता लगे उड़ा ही दे, ठीक है। तो ये आ गया पहला वाटर क्रॉसिंग, जो कि छोटा सा है। आगे आगे जहाँ जहाँ, क्योंकि इस रोड पर मैं कभी गया नहीं, तो जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ लेके जाऊँगा। ये तो नॉर्मल मोड पे ही चलती हुई, ठीक है जी। फिर ऑफ रोड, ऐसा नहीं है इस पर पेट्रोल व्हीकल, आपके पेट्रोल व्हीकल बड़े आराम से चलेंगे, बट मैं आपको इलेक्ट्रिक का बता रहा हूँ कि कितने स्मूथ हैं, कितने बढ़िया तरीके से चलते हैं, देखो। और ये वो व्हीकल है जो तकरीबन आपका 25,000 और 1.5 साल हो गया है। दोबारा देखो वाटर क्रॉसिंग छोटे वाली, देखो नॉर्मल मोड पे ही, ठीक है जी, आपके सामने ये नॉर्मल मोड पे ही। और अगर आपको ये जानना है कि इतना चलने के बाद क्या रेंज में कोई दिक्कत आई, रेंज गिरी, तो उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, Part 1 और Part 2 है, जिसमें मैं सोलो आया था, ठीक है जी। तो वो भी आपके सामने है, देखो नॉर्मल मोड, और ये वो रास्ते हैं जहाँ पे मिट्टी, और अवॉइड करना इन रास्तों पे चलाने के लिए, क्योंकि क्या होता है मिट्टी डिस्क पैड पर फंसती है और वो पानी के साथ जल्दी आपकी डिस्क पैड को ख़त्म कर दी है। अब देखियो ये लंबे वाली वाटर क्रॉसिंग है, नॉर्मल मोड, ठीक है जी, नॉर्मल मोड, पत्थरों पे फिसल रही है। और ये देखो अब रोक के भी चला रहा हूँ, क्योंकि पत्थर ऐसे हैं जिनमें वो लगी है काई, तो देख लो। अब देखो कहाँ तक पहुँच गया पानी, ठीक है जी। तो मैं ऐसे आया था, ये देख लो पूरी डूब गया है, इवन आपको दिखा भी देते हैं। तो जिन लोगों को भी डाउट है, नॉर्मल मोड है, ठीक है जी। अब देखो कहाँ तक डूब गई है अपनी, वो देख लो पूरा टार, ठीक है। और मेरे को पाँव भी ऊपर करने पड़ रहे हैं, तो इसलिए मैं चप्पल में ही आया था, क्योंकि मुझे पता मेरे जूते गिल्ले हो जाएंगे। तो अभी ये पूरा मैं चला के दिखाऊंगा, ठीक है जी, नॉर्मल मोड। ये देख लो यहाँ और डूब गई है, आप देखो पानी कहाँ कहाँ है, ठीक है जी। इससे और गहरा पानी नहीं है, वरना उसमें भी मैं दिखा देता आपको, ठीक है। पेट्रोल व्हीकल ले आना, यहाँ पर दम लगा लेना, स्कूटी आपकी नहीं चलेगी, ठीक है। पानी का बहाव थोड़ा और आया, क्योंकि यहाँ पर घराट होते हैं। अब देखो और ऑफ रोड, इससे भी एक्सट्रीम ऑफ रोड, ठीक है। अब देखो नॉर्मल आराम से चल रही है, ठीक है। अभी और दिखाता हूँ, वो देखो मोर, ठीक है, मोर जाता हुआ, तो ये देखो मैं बोल रहा हूँ कि इस व्हीकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए
आपके सामने, जहाँ तक हो सके वहाँ तक जाऊँगा, क्योंकि GoPro की बैटरी मेरे बहुत कम है, तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक शूट करूँगा। क्रॉसिंग आ गई है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी गहरी लग रही है, देखो अब देखो इसमें पानी कहाँ पहुँच गया, ठीक है जी। ये देखो पानी कहाँ पूरी डूब गई है। तो अब देखते हैं नॉर्मल पे उठा के, ये देखो आपके सामने है नॉर्मल पे ही, और टायर पूरा स्किट मार रहा है भाई, पावर इतनी है कि बंदा उखाड़ दे, ठीक है जी। अभी फिर चलते हैं आगे, अब चलो यहाँ भी लेके चलता हूँ, ठीक है। तो इस वाले रोड पे इतना एक्सट्रीमली टेस्ट, देखो नॉर्मल रोडों पे तो सब करते हैं, काफ़ी तगड़े तगड़े टेस्ट करे हैं। तो आप देखिए, ये देखो नॉर्मल मोड, ठीक है जी, ठीक है जी। अभी वापिस चलते हैं यहाँ से, तो तकरीबन मैं 1.5 किलोमीटर आ गया हूँ, मतलब 1 किलोमीटर के करीब आ गया हूँ, जो कि ऑफ रोड था, और 1 किलोमीटर अब वापस जाऊँगा आपके सामने। अब देखो सामने टफ वाला अपील है, ठीक है जी। अब इसमें आपको चढ़ा के दिखाऊंगा मैं स्कूटर को, ये देखो नॉर्मल मोड पे चढ़ रहा है, और टायर पिछले देखो कैसा स्किट कर रहा है भाई, पावर इतनी है, क्योंकि मिट्टी में वो पकड़ नहीं मिल पा रही, पत्थर में वो पकड़ नहीं मिल पा रही। तो फिर आ गया देखो थोड़ा बहुत ऑफ रोड, फिर आ गई वाटर क्रॉसिंग, और नॉर्मल मोड पे ही, ठीक है जी। ये देखो कितनी डूब गई है, इवन मैं आपको दिखा दूँ, अब देखो तकरीबन कितनी डूब गई है ये देखो, अब देखो कहाँ तक पानी आ गया, ठीक है जी। तो ऐसा ही है, ये देखो घुटने घुटने मेरे ही कहाँ कहाँ पानी है, तो फिर भी चल रही है हमारी S1 Pro, ठीक है जी। तो चलो फिर आगे निकलते हैं आगे, और दिखाता हूँ मैं आपको, जहाँ से आए थे वहीं से वापस होएंगे, और लाइव टेस्ट है, कोई मेरे साथ नहीं है, ना कोई आगे ना कोई पीछे, और पता ही आपको मैं मोस्टली सोलो ही चलता हूँ, ठीक है जी। अगर फैमिली के साथ देखना है तो फैमिली के साथ भी मेरी बहुत वीडियो है, कि क्या ये फैमिली के लिए व्हीकल परफेक्ट है कि नहीं, क्योंकि सबको डाउट होता है कि ऐसा तो है नहीं कोई अकेला ही चलेगा, फैमिली को लेके तो चलना ही पड़ेगा, तो वो भी मैंने दिखाया है। बट अवॉइड करें ऐसे रोडों पर फैमिली के साथ, क्योंकि स्लिपरी बहुत होते हैं रोड। ऑफ रोडिंग में भी पका पक चल रही है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं आ रहा, ऐसा भी लैग कोई नहीं आ रहा स्कूटी में। ये देखो 36 तक पहुंच गई है यहाँ पे, और कोई ऐसा नहीं कि स्किट हो रही है, क्योंकि इसके टायर बहुत चौड़े हैं। एक और वाटर क्रॉसिंग, तकरीबन मैंने आपको 6-7 वाटर क्रॉसिंग दिखा दी है, ठीक है जी। चलो फिर आगे आगे बढ़ते हैं मंजिल की तरफ। देखो ये वाला, यहाँ पे देखो ट्रैक्टर फंस जाते हैं, तो हम भी देखते हैं कि हमारी फंसती है कि नहीं फंसती। आते हुए मैं उधर से लेके आया था, जाते हुए इधर से देख लो, थोड़ा सा और गहरा पानी होता तो मैं और दिखा देता आपको, बट पानी इतना है, टायर पूरे डूब रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल है, ऑफ रोड है, यहाँ पे पानी थोड़ा गहरा है, ये देखो। और रोक के चलाते हैं, ये देखो आपके सामने चल के, क्या जी यहाँ थोड़े पत्थर स्लिप कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है सोलो, डबल के भी साथ चल पड़ेगी, बट उसमें आपको स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। फिर आगे आपका ऑफ रोड थोड़ा थोड़ा अप हिल है, ठीक है जी। अरे कोई दिक्कत नहीं है इस व्हीकल में, कोई भी रतिक भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो फिर आ गया ऑफ रोड, कीचड़ से अवॉइड करते हैं थोड़ा, क्योंकि व्हीकल अपना ही है, ऐसा नहीं है कि कंपनी ने प्रमोशन के लिए दे रखा ये पानी पे, और मैंने नॉर्मल मोड ही यूज़ करा। तो आप भी कभी अगर कोई ऐसी वीडियो डाले तो ट्राई करना, गियरिंग पैड्स ग्लव्स वगैरह डाल के रखना, क्योंकि मैं भूल गया घर पे, तो मैं ऐसे आया था नॉर्मल, तो मैं कि चलो आपको ये वीडियो दिखा दूँ। ठीक है जी, ये देखिए इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है इस व्हीकल में। तो ऐसा ही है, अब भी जिनको डाउट है ना तो वो मेरी ये वीडियो देख लेना, पेट्रोल एक्टिवा ले आना और उसका दम लगा देना, यहाँ पे 50 बार फंसेगी, 50 बार
बाकी डिपेंड करता है आपके राइडिंग कंडीशन पे। मैं लगातार इसको नॉन स्टॉप 150 मतलब 100 प्लस किलोमीटर भी लेके गया हूँ। अगर वो वीडियो आपको देखना है रेंज टेस्ट तो वो देख लेना, ठीक है जी। तो ये था वीडियो, ये देखो ये पुल है छोटा सा जिसमें कि ऑफ रोड मैंने आपको दिखाया और आपके सामने ही है। देखो कहाँ कहाँ मिट्टी फंसी है, अभी क्लीन करना पड़ेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार स्कूटर में, कोई भी रस्ती की प्रॉब्लम नहीं है स्कूटर में। तो बने रहिए इसी तरह मेरे चैनल में, स्टे ट्यून, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, बने रहिए नेक्स्ट ब्लॉग में।